मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अवंतिका भाग्यलक्ष्मी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आज के वीकली करेंट अफेयर्स क्विज सेशन में आपके अपने चैनल एमसीक्यू मास्टर पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पिछले वीक के करेंट अफेयर्स से बनने वाले एक दिवसीय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न एक, निम्नलिखित में से कौन भारत की अध्यक्षता में G20 का नया स्थायी सदस्य बना है? ए ओमान, बी मालदीव, सी इजराइल, डी अफ्रीकी यूनियन। सही उत्तर है डी अफ्रीकी यूनियन। प्रश्न टू, G20 समिट 2023 में भारत ने किस नए अलायंस को शुरू करने की घोषणा की है? ए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, बी वैश्विक कोल ईंधन गठबंधन, सी वैश्विक गैसीय ईंधन गठबंधन, डी वैश्विक ओपेक ईंधन गठबंधन। सही उत्तर है ए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। प्रश्न तीन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई? ए झांसी, बी नोएडा, सी लखनऊ, डी कुशीनगर। सही उत्तर है सी लखनऊ। प्रश्न चार, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? ए गुलमर्ग रेलवे स्टेशन, बी उधमपुर रेलवे स्टेशन, सी शिमला रेलवे स्टेशन, डी श्रीनगर रेलवे स्टेशन। सही उत्तर है बी उधमपुर रेलवे स्टेशन। प्रश्न पाँच, हाल ही में किस शहर में UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन किया है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी भोपाल, डी हैदराबाद। सही उत्तर है बी मुंबई। प्रश्न छह, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है? ए तारवार रेलवे स्टेशन, बी रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, सी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, डी विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। सही उत्तर है डी विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। प्रश्न सात, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ₹1,000 की पेंशन को मंजूरी दी है? ए बिहार, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है बी झारखंड। प्रश्न आठ, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया जाएगा? ए लद्दाख में, बी चंबा में, सी गैंगटॉक में, डी ईटानगर में। सही उत्तर है ए लद्दाख में। प्रश्न नौ, हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? ए प्रोजेक्ट वीर, बी प्रोजेक्ट सैनिक, सी प्रोजेक्ट नमन, डी प्रोजेक्ट हौसला। सही उत्तर है सी प्रोजेक्ट नमन। प्रश्न दस, निम्न में से किस नगर निगम ने हाल ही में आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? ए आगरा नगर निगम, बी पटना नगर निगम, सी रीवा नगर निगम, डी गाजियाबाद नगर निगम। सही उत्तर है बी पटना नगर निगम। प्रश्न 11, भारत ब्रिटेन 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता EFD आयोजित हुई? ए नई दिल्ली में, बी बनारस में, सी पीटर्सबर्ग में, डी लंदन में।
सही उत्तर है ए नई दिल्ली में। प्रश्न 12। हाल ही में किस देश की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को पहला एयरक्राफ्ट C-295 सौंपा है? ए रूस, बी फ्रांस, सी स्पेन, डी अमेरिका। सही उत्तर है सी स्पेन। प्रश्न 13। हाल ही में किस देश में इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इन्फोमेट्रिक्स का आयोजन किया गया है? ए फ्रांस, बी हंगरी, सी ब्राजील, डी दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है बी हंगरी। प्रश्न 14। डेनियल नाम के शक्तिशाली तूफान से प्रभावित देश है? ए म्यांमार, बी कतर, सी ओमान, डी लीबिया। सही उत्तर डी लीबिया। प्रश्न 15। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 के विजेता हैं? ए डॉक्टर वी के पॉल, बी डॉक्टर नवीन अग्रवाल, सी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डी डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। सही उत्तर है बी डॉक्टर नवीन अग्रवाल। प्रश्न 16। हाल ही में किसे लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए अदीब अहमद, बी नवीन अग्रवाल, सी रजनीश कुमार, डी सिंधु गंगाधरन। सही उत्तर है ए अदीब अहमद। प्रश्न 17। वर्ष 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया जाएगा? ए 3 वैज्ञानिकों को, बी 5 वैज्ञानिकों को, सी 9 वैज्ञानिकों को, डी 12 वैज्ञानिकों को। सही उत्तर है डी 12 वैज्ञानिकों को। प्रश्न 18। हाल ही में अक्टूबर 2023 में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? ए गोवा, बी केरल, सी तेलंगाना, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर है ए गोवा। प्रश्न 19। यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के विजेता हैं? ए आंद्रे अगासी, बी डेनिल मेदवेदेव, सी नोवाक जोकोविच, डी कार्लोस अल्कारेज। सही उत्तर है सी नोवाक जोकोविच। प्रश्न 20। निपाह वायरस से प्रभावित राज्य है? ए तेलंगाना, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी कर्नाटक। सही उत्तर है सी केरल। प्रश्न 21। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में स्थित कावेरी वन्यजीव अभयारण्य में सफेद सांभर खोज की है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है बी कर्नाटक। प्रश्न 22। हाल ही में किस देश के लुइसविले शहर में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया है? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी इजराइल, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है बी अमेरिका। प्रश्न 23। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ए 10 सितंबर, बी 11 सितंबर, सी 14 सितंबर, डी 16 सितंबर। सही उत्तर है बी
11 सितंबर प्रश्न 24 राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ए 10 सितंबर, बी 12 सितंबर, सी 14 सितंबर, डी 16 सितंबर। सही उत्तर है सी 14 सितंबर। प्रश्न 25 ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ए 14 सितंबर, बी 15 सितंबर, सी 16 सितंबर, डी 17 सितंबर। सही उत्तर है सी 16 सितंबर। और ये है पिछले वीडियो से करेंट अफेयर्स का प्रश्न आपके लिए, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ आज के वीकली करेंट अफेयर्स के प्रश्नों का अभ्यास पूर्ण हुआ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने मित्रों और भाइयों बहनों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। अब आपसे अगले रविवार को पुनः इसी समय वीकली करेंट अफेयर्स के अगले सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा, आप बने रहिए आपके अपने MCQ मास्टर के साथ। धन्यवाद।